ये एक डिस्क है जिसके सेंटर पे ये स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का और यहां पे दिया हुआ है कि एट दैट लोकेशन ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क इज़ जी। इसका मास है एम और एक दूसरा पार्टिकल कैपिटल एम मास का ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स मोशनलेस तो डायग्राम को सिंपल कर लेते हैं इस तरफ से देखते हैं तो नीचे इस पर लग रहा है एम जी ड्यू टू डिस्क नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टूवर्ड्स दिस बॉल बी तो ये सर्कुलर रोटेट कर रही है इसके चारों तरफ तो लेट्स से एट सम मोमेंट दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल ठीक है तो अब हमें बताना है कि कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा सच दैट दिस ब्लॉक डज नॉट स्लिप तो एक क्वेश्चन देख रहे हो आप सिमिलर है एक ब्लॉक होता है उसको रस्सी से खींच रहे होते हैं तो हम पूछते हैं कि यार किस एंगल पे रस्सी खींचने से मिनिमम फोर्स से ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा उसी टाइप का क्वेश्चन है बस यहाँ रस्सी से खींचने के बजाय आप ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हो सो लेट्स डू डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं फ्रिक्शन की सो so फ्रिक्शन कितना है अगर ये इक्विलिब्रियम पे है अभी देन फ्रिक्शन इज एफ साइन थीटा और इक्विलिब्रियम पे रहे उसके लिए दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन म्यू एन सो दिस एफ साइन थीटा शुड बी आल्सो लेस देन इक्वल टू म्यू एन ठीक है अब एफ क्या है इसमें एफ है जी एम एम बाई आर एंड एन क्या है एन है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा सो फ्रॉम हियर एफ की टर्म्स एक तरफ सो एफ साइन थीटा प्लस म्यू थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि यार म्यू की रेंज हमें निकालनी है और इधर भी म्यू है तो देखो यहाँ होता क्या है ना आपका जो भी म्यू का आंसर आया ठीक है जो भी आया फ़र्क नहीं पड़ता लेट से आया म्यू आया टू पॉइंट फाइव तो ये इक्वेशन तो वैलिड है तब भी है ना तो अगर आप 2.5 पॉइंट यहाँ डालोगे म्यू फिर आप थीटा वेरी करा रहे हो तो थीटा की एक वैल्यू पे ये जब मैक्सिमम होगा उससे तो ये लेस तब भी होना ही चाहिए ना तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी म्यू के टर्म्स में ही आती है और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि म्यू क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक मतलब एक क्या मतलब जो भी आएगी दैट विल ऑलवेज बी रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन थीटा प्लस म्यू थीटा की वैल्यू होगी रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर सो फॉर दिस इन टू ऑलवेज होल्ड ट्रू इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है तो ये एल एच एस की मैक्सिमम वैल्यू भी म्यू एम जी से छोटी होनी चाहिए ठीक है ना सो एफ रूट वन प्लस म्यू शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी एक वन फटाफट फिट से बता देता हूँ देखो यार इस इक्वलिटी में ना हमें म्यू की रेंज निकालनी है लेकिन म्यू इधर थीटा के साथ भी आ रहा है तो लाइक आई सेड म्यू का आप कोई सी भी वैल्यू रखो म्यू की कोई सी वैल्यू रखो तो राइट right साइड में तो वो कॉन्स्टेंट आ गया फिर कुछ है ना म्यू की कुछ वैल्यू रखने पर लेफ्ट साइड में अभी भी वेरिएबल है है ना थीटा वेरी कर रहा है तो आप वाला थीटा देखो जब इस एल एच एस मैक्ममम हो जाता है और वो इससे तब भी छोटा होना चाहिए उस म्यू की उस वैल्यू पे सो so, ये सबसे बड़ा कब होगा ये होगा थीटा की किसी वैल्यू पे, जहाँ पे इस टर्म की पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमेशा ये अगर ट्रू हुआ देन दिस इन इक्वलिटी ऑलवेज होल्ड्स ट्रू सो so, यहाँ से फिर स्क्वायर कर दोनों तरफ तो म्यू आ जाता है ग्रेटर देन एफ बाई रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एफ़ की जगह डाल दें जी एम एम बाय आर स्क्वायर तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ठीक है